नमस्कार। अखिल भारतीय अधिकार संगठन का हमेशा से प्रयास रहा है कि वह जनता के बीच जनता की बातों को सार्थक तरीके से रख के राष्ट्र निर्माण में एक बेहतर समझ पैदा करने का प्रयास करता रहे। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद चांटिया जी हमारे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर आप कार्य कर चुके हैं। आइए, आज देश जिस दिशा में जा रहा है, जो भविष्य है, उसी में ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो वर्तमान सरकार है और ख़ासतौर से अगर कहें नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ऐसा क्या है कि अगला 5 वर्ष उनको फिर से दिया जाना चाहिए? आप ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभी नरेंद्र मोदी जी को अगले 5 साल इस देश में और दिए जाने चाहिए? मैं इसलिए अपने दृष्टिकोण से ये उचित समझता हूँ कि वर्तमान सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इस सरकार को एक टर्म अवश्य अगला जनरल इलेक्शन में मिलना चाहिए। यही तो जानना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार अर्थात भाजपा की सरकार केवल एक टर्म केंद्र में पाई है और उसने जो स्कीमें अंतर्गत अपने सरकार के इस वर्तमान काल में चलाई, वो जनता के फायदे के लिए ही स्थापित की गई। तो क्या पूर्व की जो सरकार थी वो कोई अच्छे कार्य नहीं कर सक रही थी? आपने जब मुझसे ये प्रश्न किया है तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूर्व की केंद्रीय सरकारें, खासकर विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार दिल्ली में अधिकतम समय राष्ट्र की सरकार संचालित करने के लिए कैबिनेट बनी, परंतु उसमें भी उन्होंने जो वादे किए, जैसे कि मिसाल मैं जहां तक समझता हूं या मेरे अपना मुस्तकिल दृष्टिकोण है कि पूर्व सरकार, जिसको आमतौर से लोग कांग्रेस की सरकार कहते हैं, उसने 70 साल के बीच में राष्ट्र के बढ़ोतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको इज्जत बख्शाने के लिए दूसरे मुल्कों में वो नहीं स्थायित्व दे पाई जो वर्तमान सरकार अपनी केवल 1 साल के टर्म में ही अधिकतम संसार के देशों में अपनी स्थायित्व कायम की, भारतवर्ष के लिए इज्जत बढ़वाया। वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा जो दिया जाता रहा है भारतवर्ष की तरफ से प्राचीन काल से, उसका असल अस्तित्व इस समय हमको दिखाई दे रहा है कि वर्तमान सरकार ने संसार के अधिकतम राष्ट्रों के दृष्टिकोण में भारतवर्ष की इज्जत बढ़ाई, वहाँ के नागरिकों के द्वारा भारतवर्ष की वाहवाही किया रही और भारतवर्ष की इज्जत इसीलिए बढ़ी कि वर्तमान सरकार ने जनता जो हमारे देश की है उसके हृदय में एक
स्थान अपनी सरकार के लिए प्राप्त कर लिया है और वर्तमान सरकार जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो भी स्कीमें हमारे यहाँ राष्ट्र में फैलाई वो काम सब जनता के हित के लिए ही शुरू की गई और जो सने सने जनता के हृदय में जगह बनाती जा रही है। देखिए, उन्होंने गांव में शौचालय बनवाए, उज्ज्वला योजना के तहत गैस लोगों को दिलाई, हर गांव जो आज तक अंधेरे में पड़े हुए थे उनको लाइट पहुंचाई गई, जीएसटी नोटबंदी, आप इन सब काम को कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के एक अच्छे काम के रूप में? मैं इसलिए उनकी तारीफ करूंगा क्योंकि उनके इन कदमों से, उनके इन कार्यों से भारतवर्ष की जनता के हित में तमाम गांव में शौचालय वर्तमान में और औरतों की इज्जत बचाने के लिए स्थापित कराएं, जिससे कि जो उनकी समस्या थी शौचालय की वो काफ़ी हद तक सफल हुई है। आप उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े बहराइच जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये सरकारी आंकड़ों में भी है कि वो भारत का सबसे बड़ा कुपोषित जिला है, तो बहराइच जिले को अगर आप ध्यान में रखें तो आप नरेंद्र मोदी जी को इस शहर के लिए कैसे अच्छा मानते हैं? मैं इसलिए कहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो है वो अगला टर्म एक और पावे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कार्य कराए गए हैं अपने ज़िले में, जैसे कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, नेशनल हाईवे तमाम तरह से स्थापित हुई, रेलवे मीटर गेज से ब्रॉड गेज में गोंडा टू बहराइच स्टार्ट किया गया, जो संचालित भी हो गई, जनता को उससे दूसरे देश के हिस्सों में जाने में सुविधा प्राप्त हुई, और साथ ही साथ हमारे यहाँ एजुकेशन जो किसी भी स्थान के उत्थान के लिए आवश्यक होती है उसमें बहुत बड़ा ही योगदान इस सरकार ने दिया, क्योंकि तमाम महाविद्यालय स्थापित हो गए इस काल में, परंतु क्योंकि अभी उनमें कुछ कार्य करना भी शेष है उनकी पूर्णता तक पहुंचने के लिए, इसलिए ये नेक्स्ट 5-5 साल का काल इस सरकार को दिया जाना हर दृष्टिकोण से आवश्यक और उचित है। आप उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, हिंदूवादी संस्कृति के कठोर समर्थक रहे हैं और समय समय पर आपने हिंदुत्व के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, यदि आज नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र के उत्थान और निर्माण के लिए 1 से 10 में से कुछ अंक आपको देना हो तो आप नरेंद्र मोदी जी को कितने अंक देंगे? मैं नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री को 10 में 10 अर्थात मैं पूर्ण 10% उनको पूर्ण संख्या 10 की ही देकर उनको स्थान संसार में और देश में, देश की जनता की निगाह में स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश अपने संस्थाओं की तरफ से करके उनका सहयोग दूंगा, और चूंकि उनके सरकार में हिंदुत्व जो भारतवर्ष की एक आधारशिला है उसको भी बढ़ावा मिला है, इसलिए मैं उनको हर तरह से उचित मानकर ही कह रहा हूँ, मैं उनको 10 से 10
फिगर की या 10 से 10% की या 100 से 100% की स्थान देना ही अपनी दृष्टिकोण से उचित समझता हूँ और उन्हीं के नेक्स्ट काल की सरकार भारतवर्ष के दिल्ली सरकार में बने जिससे कि हमारे राष्ट्र को पुनः इस तमाम स्कीमें जो चलाई जा रही हैं जो अभी चल रही हैं उनको पूर्णता प्राप्त हो सके, जबकि पूर्व की सरकारों ने अपने किसी भी स्कीमों को पूर्ण नहीं किया, केवल बहाना बनाते ही रह गए। धन्यवाद सर, आपकी बातें सुनकर लगा कि राष्ट्र में जब आज आप जिस उम्र पर खड़े हैं वहाँ पर जब आप जैसे नागरिक को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र की बागडोर एक नहीं कई बार सौंपी जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये संदेश राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र के लिए जागरूक लोगों में एक नई भावना का संचार करेगा जिससे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के लिए बच्चे ही नहीं आप जैसे सीनियर वरिष्ठतम नागरिक भी क्या सोच रखते हैं, यह दूर तक इस बात को रखने में सफल होगी कि नरेंद्र मोदी जी वास्तविक अर्थों में इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं और आज आवश्यकता इसी राष्ट्र निर्माण की है। धन्यवाद चांडिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।